आप लोगों को अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसकी वजह से देखा जाए तो झलक हमको विभाज्य के नियम से ही मिल चुका है, और ठीक से उसी तरीके का कुछ प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। जो हमारा टॉपिक है वो सेसफल प्रमेय का टॉपिक है। चलिए देखते हैं, आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। उसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, अपने सुझाव हमको देते रहें ताकि हमको अगले वीडियो बनाने के लिए मनोबल मिलता रहे। जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करेंगे उतना ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मदद मिलेगा, उतना ही उत्साह मिलेगा और उतना ही बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा कि 200 के पावर 200 को 201 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। एक क्वेश्चन आता है कि 200 के पावर 599 को 201 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा है और पूछता भी है, आगे भी पूछेगा, इसकी संभावना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन को बनाते हैं। कि सबसे पहली बात है कि 200 के पावर 200 में 201 से भाग देने की बात कर रहा है, कि 200 के पावर 200 को 201 से भाग दिया जाए। अब बहुत बड़ा 200 के पावर अगर हम 200 निकालने जाएंगे तो कुछ इसी तरीके से मल्टीपल करते हुए 200 बार हमको गुना करना पड़ेगा। अब 200 बार अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसको फाइंड करते 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 काफी समय लग सकता है। या फिर मान लीजिए 200 है तो ठीक है, दो 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 मल्टीपल किए भी थोड़ा समय भी लगा, कोई बात नहीं। लेकिन 200 के स्थान पे अगर आपके क्वेश्चन में 175 के पावर अगर 200 हो जाए तो फिर तो मुश्किल होने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है, जरा इसको समझिएगा कि अगर 200 के पावर 200 में 201 से भाग देने की बात किया है, 201 से भाग देने की बात किया है, यानी एक बात फिक्स है कि इससे एक ज्यादा से भाग देना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि देखना है कि 200 के पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर 200 के पावर सम संख्या है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2, और भागा 201। अब जब 200 के पावर 2 करेंगे तो हमारा डाटा क्या आएगा, आसानी से कर सकते हैं कि 4 पे 00 फिर 00 फिर क्या होगा, भागा 201। अब 201 से आसानी से चाहे तो इसमें डिवाइड कर सकते हैं कि 400 00। अब एक बार में हो जाएगा आपका 200, फिर आएगा 9 0 9 1, फिर उतरेगा 00, फिर जाएगा आपका 9 बार में, 9 1 9 0, 9 2 18 के 88 ले, 9 2 18 1 19 के 9 88 ले। यहाँ पे ध्यान देना होगा 9 1 9 0 और फिर 9 2 18 के 88 ले।
देखने पर देखना पड़ेगा, लग रहा है कि गुना में कुछ मिस्टेक है। ध्यान दीजिएगा कि एक शून्य उतरेगा, और एक शून्य जब उतरेगा तो कितने बार में जाएगा? दुनामा 18 होता है, 9 बार में जाएगा। 9 एकम 9 0, 9 दुनिया 18, क्या 18 ले 1800। अब 0 में से जब 9 को घटाएंगे तो 1, ये 9 हो जाएगा आपका 8, ये 9 में से 8 जाएगा, ये का फुट, फिर 9 बार में जाएगा आपका हो जाएगा 1809, और शेष बच जाएगा 1। यानी आसानी से कर सकते हैं कि इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। यानी 200 के पावर 200 में अगर 200 एक से भाग देंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 200 के पावर एक सम संख्या है, और जब एक ज्यादा से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा ही 1 आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि 200 के स्थान पे अगर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे 25 रहे और यहाँ पे 26 रहे। अब 25 के पावर अगर सम संख्या है तो 25 के पावर 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब 25 के पावर 2 में जब हम 26 से भाग करेंगे तो 25 के पावर 2 कितना होता है? 625। आज जब 625 में 26 से भाग देंगे तो 26 दूनी 52, 0, 6 में से 5 जाएगा 1, फिर 5, 26 चौका 106, आंसर 1। तो जब पावर सम संख्या हो तो आंसर हमारा 1 आएगा। ये कोई भी डाटा हो कि आपको कह दिया जाए कि 32 के पावर 500 में आपको 33 से भाग देंगे, 33 से भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 32 से 1 ज्यादा हम 33 से डिवाइड कर रहे हैं, और 32 के घात में क्या है? सम संख्या है, और जब 32 के घात में सम संख्या है तो हम क्या करेंगे बनाने के लिए? अगर हमको आंसर नहीं पता चल रहा है तो बनाने के लिए क्या करेंगे? घात में सम संख्या तो 32 के पावर 2, छोटी सम संख्या, और भागा 33। अब 32 के पावर जैसे ही 2 करेंगे आएगा 10 24, और 33 से अगर भाग देंगे तो 33 3 99 होता है, 3 4 33 1 33, शेषफल 1। आसानी से क्वेश्चन हम बना चुके हैं कि आंसर क्या आएगा, तो आंसर 1 आएगा, कोई भी संख्या हो। अतः हम इसके लिए एक बात कर सकते हैं कि इसके लिए हम नोट बना के चाहे तो लिख सकते हैं कि जब कोई संख्या x, जब कोई संख्या x का घात सम संख्या हो, सम संख्या हो और x प्लस 1 से भाग देने की बात करें, भाग देने की बात करें तो शेष हमेशा 1 बचेगा, 1 बचेगा। इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि जब कोई कोई संख्या हो, x मान लेते हैं कि वो संख्या कौन सी हो, x हो, उसके घात सम संख्या हो, उसका घात कितने की बात करेगा? सम संख्या की बात करेगा, और x प्लस 1 से भाग देने, यानी संख्या से 1 ज्यादा से भाग देने की बात करे तो शेष हमेशा क्या बचेगा? 1 बचेगा। एक और एग्जांपल चाहे तो ले सकते हैं कि 17 के पावर 20 को 18 से भाग देने की बात करेगा। अब 17 के पावर क्या है? x क्या है? 17 है। पावर क्या है? सम संख्या है। अब भाग x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 किससे देने हैं? 18 से देने हैं। शेष क्या बचेगा? तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 1 बचेगा। अब नहीं याद है तो बनाना भी आसान है कि सबसे छोटी सम संख्या तो 2, और 17 के पावर 2 क्या होता है? 289। और जब 18 से भाग देंगे तो 18 एकम 18, 0 1 9, 18 6 8 से शेष हमेशा 1। आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 200 के पावर 599 को 201 से भाग देने पर शेषफल क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी विषम संख्या यहां पे क्या है? घात में विषम संख्या है ये। अगर संख्या x है तो डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से।
तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? एक आसानी से कह सकते हैं कि एक ले सकते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या एक। अब भाग देने की बात किससे किया है? 201 से। अब जब 200 के पावर एक में हम 201 से डिवाइड अगर करेंगे तो क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 200 के पावर अगर एक करेंगे तो क्या होगा? 200 होगा। और जब 201 से भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, एक बार में तो नहीं लगेगा, कितने बार में लगेगा? शून्य बार में। और जब शून्य बार में लगेगा तो क्या होगा? शेषफल हमारा कितना बचेगा? 200 का 200। आसानी से कर सकते हैं। इसके स्थान पे क्वेश्चन चाहे कुछ भी रहे, ये रहे कि 28 के पावर 99 को 29 से भाग देना है। अब सबसे छोटी विषम संख्या फिर कितना होगा? एक होगा। और 28 के पावर एक करेंगे तो कितना होगा? 28। भाग किससे देना है? 29 से देना है। अब 29 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 28 बचेगा। आसानी से कर सकते हैं। अतः इसके लिए भी हम एक बात को याद कर सकते हैं, चाहे तो नोट में हम एक बात लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम चाहे तो नोट बना के लिख सकते हैं कि जब कोई संख्या एक्स का घात विषम संख्या हो, विषम संख्या हो और एक्स प्लस वन से भाग देने की बात करें, भाग देने की बात करें तो शेष हमेशा एक्स बचेगा। शेष हमेशा एक बचेगा कि जब कोई संख्या एक्स की घात विषम संख्या हो और एक्स प्लस वन से भाग देने की बात करे तो शेष हमेशा एक्स बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस बात को और जरा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखना, याद नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, याद रखेंगे तो थोड़ा सा ये कि क्वेश्चन देखेंगे, आंसर हमको पता है, पेन उठाने की कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी इसको देखेंगे अगर विषम संख्या वाले को तो पेन और कॉपी वैसे भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन चाहे तो आप आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे तरीके से आता है। क्वेश्चन अभी यह आएगा कि 17 के पावर 17 प्लस 17 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन चेंज कि 17 के पावर 17 प्लस 17 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, या अगर बात किया जाए तो वही संख्या एक्स पावर में विषम संख्या है, भाग किसे देना है? एक्स प्लस वन से। लेकिन बीच में फिर एक संख्या आया है जिसका मान कितना है? 17 है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला बात ध्यान दीजिए, 17 के पावर 17 में हम सोचते हैं कि है ही नहीं, ये नहीं है, इसको हटा दिए, इसको अपने दिमाग से बाहर कर दिए। अब 17 के पावर 17 में हम सोच रहे हैं कि 18 से हम भाग दे शेष क्या बचेगा। अब पावर विषम संख्या है, एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष क्या बचेगा? शेषफल तो हमेशा 17 बचेगा। अब ये 17 हटाया है लेकिन क्वेश्चन तो है ना, तो इसको क्या करेंगे कि अगर प्लस 17 है तो प्लस 17 और फिर से भाग करेंगे कि भाग कितने से देना है? 18 से। अब 17 17 क्या हो जाएगा? 34। और 34 में हमको किससे भाग देने हैं? 18 से। अब जैसे ही 18 से हम 34 में भाग देंगे लगेगा, नहीं लगेगा, एक बार में जाएगा, 18 एकम 18, शेष कितना बचेगा? 16। आसानी से कर सकते हैं कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी कहे, 17 के स्थान पे कुछ भी रख सकता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि 24 के पावर 95 या प्लस 1 को 25 से भाग दिया जाए, 25 से भाग दिया जाए। अब 24 के पावर विषम संख्या है, एक ज्यादा से भाग देंगे, शेषफल 24 बचेगा, ठीक से। प्लस 1 है, प्लस 1 की 24 से कितना हो गया? 25। किससे भाग देने की फिर बात किया है? 25 से।
अब 25 से भाग देंगे, 25 से का 25 कट गया, शेषफल हमारा जीरो, आसानी से बना चुके, क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्यूशन हो गया। फिर चलिए आगे देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज किया और यहां पे केवल कह दिया कि यहां पे माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 के पावर 95 25 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 24, माइनस की बात किए माइनस एक करेंगे क्या होगा 23, अब 25 से भाग देने की बात किए 25 से जैसे 23 से भाग देंगे, भाग लगेगा नहीं लगेगा, शेषफल क्या होगा 23, आसानी से कह सकते हैं कि शेषफल क्या होगा 23, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, बन सकता है आसानी से। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें एक ज्यादा से भाग देने की बात कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन में जैसे ही एक कम से भाग देने की अगर बात करें कि एक कम से भाग देना है, कि एक कम से भाग देना है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कह दिया कि 18 के पावर 80 को 17 से भाग दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 18 के पावर 95 को 17 से भाग दिया जाए तो शेष, यहां भी शेष पूछा है क्या होगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान देना है बोर्ड पे कि इस बार 18 के पावर 80 को 17 से भाग देने की बात की है। अब 18 के पावर 80 यानी 18 की घात क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2। अब 18 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 324, भाग किससे देने की बात किया है 17 से, अब 17 से 324 में भाग देने की बात करेगा तो क्या होगा, तो 17 एकम 17, ये 5, ये 1, और 17 नवा 53 से शेषफल क्या बचे रहे, आसानी से बना सकते हैं। कहीं दिमाग लगाने की शेषफल प्रमेय में आवश्यकता नहीं है, सीधे ढूंढेंगे कि पावर सम है कि पावर विषम है, छोटा सा सम छोटा सा विषम लेंगे और सीधा भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा हमेशा। दूसरा का क्वेश्चन ऐसे ही, जैसे ही देखेंगे पावर क्या है विषम संख्या है और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, और 18 के पावर 1 करेंगे क्या होगा 18, भाग 17 से देने की बात किया 17 से, जैसे 18 भाग देंगे 17 एक 17 शेषफल। अब दोनों ही कंडीशन में पावर सम था तो भी शेषफल ए, अब पावर विषम है तो भी शेषफल ए, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी संख्या के पावर धार सम हो या विषम हो और उस संख्या से एक कम से भाग देने की बात करें तो शेषफल हमेशा एक बचेगा, चाहे कोई भी संख्या हो, किसी को ले लें 25 के पावर 220 कर दें और हम 24 से भाग दें, शेषफल कितना आएगा एक आएगा, क्यों, क्योंकि हम एक कम से भाग दे रहे हैं, क्यों 25 के पावर क्या है एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो क्या कह सकते हैं आसानी से कि 25 के पावर 2, और 25 के पावर 2 का मतलब 625, 24 से भाग देंगे 24 दूनी 48, बच जाएगा आपका 4, फिर 24 छक 44 से शेषफल आपका हो जाएगा एक, आसानी से कर सकते हैं कि शेषफल क्या एक, कब जब एक कम से भाग देने की बात करे तो आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए कि 24 के पावर 24 माइनस 1 को 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा,
2 है कि 24 के पावर 24 प्लस 1 को 23 से भाग दिया जाए, 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा। दो क्वेश्चन है आपके सामने, अगर दोनों क्वेश्चन को देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन ही आसान है। और 24 के पावर 24 को हम अगर 23 से भाग देंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, एक कम से भाग देने की बात करें, अब एक कम से भाग देने की बात करें तो घात सम और विषम हमको देखना है, नहीं देखना है। इसके लिए शेषफल एक में से एक को घटाए शून्य। अब जैसे ही 23 से शून्य में भाग देंगे शेष क्या बचेगा, शून्य बचेगा, आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको 24 से एक कम 23 से भाग देने हैं, इसके लिए शेष क्या होगा, एक, और एक प्लस एक करेंगे तो क्या होगा, दो, और दो में हम अगर 23 से भाग भी देते हैं तो क्या होगा, दो, आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। एक क्वेश्चन है कि 49 के पावर 49 माइनस 1 निम्न में से किससे विभक्त नहीं होगा, किससे विभक्त नहीं होगा। क्वेश्चन है 49 के पावर 49 माइनस 1 निम्न में से किससे विभक्त नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आपका 8, 12, 6, 10, 9। जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो देखेंगे कि विभक्त होने की बात यह है, 49 के पावर क्या है, तो विषम संख्या है। अब जैसे ही विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, एक, और एक घटाने की बात की, एक घटा दी है। अब 49 के पावर एक करेंगे मान 49, 49 में से एक घटाएंगे 48, 48 8 से कट जाएगा, कट जाएगा तो यह आंसर हमारा नहीं होगा। 48 12 से कट जाएगा, यह भी आंसर नहीं होगा। 48 6 से कट जाएगा, यह भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि विभक्त नहीं पूछा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं कितना, चलिएगा चलिए ध्यान देना है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा है कि 29 के पावर 37 प्लस 17 के पावर 37 निम्न में से किससे विभक्त नहीं हो, निम्न में से किससे विभक्त नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है आपका 2, 11, 23, 46, 2, 11, 23, 46। क्वेश्चन देखिए कुछ लग रहा होगा कि बन सकता है, विभक्त करने की बात की है कि किससे विभक्त नहीं होगी, जब विभक्त करने की बात की है तो 29 के पावर क्या है, सम है कि विषम है, विषम है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, एक। 17 के पावर सम है कि विषम है, विषम है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, एक। अब 29 के पावर एक का मान कितना होगा, 29, 17 के पावर एक का मान कितना होगा, 17, 29 और 17 कितना होता है, 46, और 46 2 से कट जाएगा, कटेगा, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी आंसर हमारा यही होगा, 23 से कटेगा, कट जाएगा, 46 से कटेगा, कट जाएगा, यानी कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार सीजीएल के एग्जाम में पूछा था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आसानी से चाहे तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन आज का,
आज का आखिरी क्वेश्चन ध्यान देना है। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी, कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी, नहीं होगी। क्वेश्चन है कि 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82 कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अगर ऑप्शन देखें तो 4, 52, 17 और 26 सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन अगर बनाने जाए तो 3 के पावर 41 प्लस 7 के पावर 82, 3 के पावर क्या है, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1। 7 के पावर क्या है, सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2। अब 3 के पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। 7 के पावर 2 करेंगे क्या होगा, 49 होगा। 49 और 3 कितना होगा, 52। और 52 में किससे भाग देने की बात करें, कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होगी, 4 से देंगे भाग लग जाएगा 13 बार में, 52 1 का 52 होता है, 17 से 52 कटेगा, नहीं कटेगा तो आंसर 17, 26 से 52 कटेगा, कट जाएगा, तो ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे और आज क्लास पे ही पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल, आज यहीं पे खत्म करते हैं।